हेलो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम बहुत ही लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं 126 किलोमीटर के बिलासपुर से लोरमी। और अभी तक हम 9 किलोमीटर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। छोटा सा एक बैकपैक है मेरे साथ और खूब सारा करेज लेके मैं चल रहा हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बढ़िया सीन है हर तरफ। अपन नेचर को इतना गंदा करते देखिए, फिर भी नेचर किसी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लेता है। चलिए अब लगातार लगभग 15 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं और फिर अपन ब्रेक लेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी अपन काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और जैसा आप साइन बोर्ड देख रहे हैं कोटा के लिए और 4 किलोमीटर बचे हैं और उसके बाद 30 किलोमीटर और अपने को जाना है, तब जाके अपन लोरमी पहुंच पाएंगे। लोरमी में हम लोग 2 घंटे का स्टॉप लेंगे और फिर वापस बिलासपुर के लिए आएंगे। तो देखिए काफ़ी सुबह हो गया है, गैया इधर उधर चल रही है, कुछ दुकानें जो हैं खुल गई हैं। ओके, क्रॉस कर चुके हैं अपन, अब लोरमी की तरफ अपन जा रहे हैं। 34 किलोमीटर और हैं और मैं पूरे जोश के साथ हूँ, जोश में कोई कमी नहीं है। तो अभी तक हमने 0 स्टॉप लिया है बिलासपुर से यहाँ तक। अभी तक लगभग हम 35 किलोमीटर आ चुके हैं और 34 किलोमीटर अपने को जाना है। ओके, तो बने रहिए। Allah, 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 Allah,
तो देखिए रास्ते में हम लोग को एक तालाब मिला, तो उसको ही देखने के लिए मैं ऑफ रोडिंग करके, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके इस तरफ आया। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, कैमरे में तो काफ़ी कम सुंदर दिख रहा है अगर एक्चुअल की बात करें तो। और एक्चुअल में देखिए ये कैमरे से कहीं ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हैं आप, तालाब है, इसके पीछे पहाड़ है, थोड़े लोटस के लीफ भी हैं। और आपके लिए भी एक संदेश है कि कभी भी अगर आप ऐसा ट्रिप प्लान करें तो थोड़ा अनप्लान ट्रिप प्लान करें। ट्रिप प्लानिंग में वो मज़ा नहीं है, प्लान्ड अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये सारी जो ब्यूटी आप देख रहे हैं वो आप मिस कर देंगे। तो देखिए सूरज भी आ गया है, थोड़े बादल हैं, थोड़ी धुंध है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही प्योर एयर है यहाँ का, सिटी लाइफ से बहुत ही अच्छी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। अभी लोरमी काफ़ी दूर है तो मैंने अभी स्टॉप लिया है लगभग 45 किलोमीटर राइड के बाद। तो मैं भी यही बोलूँगा कि जैसे मैं 126 किलोमीटर का राइड रख रहा हूँ तो मैं 10-10 किलोमीटर पे नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि 126 किलोमीटर का राइड है तो मैं 30-40 किलोमीटर में एक स्टॉप ले रहा हूँ। तो थोड़ी मोटी जो चीज़ है जैसे पानी पीना या थोड़ा स्ट्रेच, वो आप साइकिल पर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी हम आउट ऑफ वाटर हो गए हैं, मतलब पानी ख़त्म हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगर कोई दुकान मिलेगा तो हम पानी कर देंगे, या कहीं चापाकल मिलेगा तब भी हम पानी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कितने फनी लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं रोड पे ही शेविंग चल रहा है, दुकान चल रहा है रोड पे ही। तो चलिए ऐसे फनी इंस्टेंसेस आपको मिलते रहते हैं जब आप रोड ट्रिप करते हैं, तो चाहे वो साइकिल से करें या बाइक से करें। और ये देखिए धान की कटाई चल रही है यहाँ पे, या सॉरी धान की कटाई नहीं चल रही है, धान का रोपण हो रहा है मेरे ख्याल से, घास उखाड़े जा रहे हैं, धान बढ़ गया है तो ताकि धान और थोड़ा तेजी से बढ़े। तो देखिए इधर काफ़ी अच्छे, थोड़ा धूप निकल गया है और काफ़ी खुशनुमा मौसम है। तो देखिए उधर भी एक तालाब है, लोडेड गाड़ियां आ रही हैं, पंछी है, बादल है और मैं हूँ ये देखिए ओके चलिए मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, मैंने सन ग्लासेस ऑन कर लिए हैं, और अभी जो मेरे फ्रेंड है, मेरे तो अंकल हैं धनेश साहू, उनके घर हम जाएंगे, बहुत ही टेस्टी उन्होंने चिकन बनाया हुआ है वो खाएंगे, और दो तीन घंटे रेस्ट लेके फिर हम वापस आएंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही धूप है, अभी 9:30 बज रहे हैं, 6 बजे हम निकले थे, अभी लोरमी पहुंच चुके हैं, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वहाँ अपने को जाना है। ओके चलिए मिलते हैं।
और कौन सा गांव है ये बताइए, आप लोग बताइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 70 किलोमीटर दूर। भैया अभी चिकन बना रहे हैं, चिकन खाएंगे और 2-3 घंटे बाद वापस बिलासपुर के लिए निकलेंगे। देख सकते हैं भैया के घर के जस्ट आगे जो है तालाब है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, और थोड़ी देर में अपन तालाब में नहाने भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। और फाइनली हम 70 किलोमीटर दूर आके वापस बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी धूप है लेकिन क्योंकि पता है कि 4 घंटे लगने वाले हैं, 4 से 5 घंटे, इसलिए अपन जो है थोड़ा पहले निकल रहे हैं। थोड़ी देर में धूप थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो आप जैसा देख सकते हैं अभी भी बिलासपुर जो है 63 किलोमीटर है, काफ़ी जान निकलने वाली है, लेकिन हम भी जिद्दी कम थोड़ी ना, हार नहीं मानेंगे। ओके, हेलो गाइस, तो हम फाइनली वही चाय वाले के पास पहुंच गए हैं जहां हम सुबह चाय पिए थे। रेड टी, बहुत ही अच्छी रेड टी बनाते हैं, तो बस टी पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे, यहीं से पानी भी ले लेंगे। ओके, सो सी यू सून। तो देखिए बारिश के कारण हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का, हर तरफ ग्रीनरी है बारिश के कारण, और पंछी के चहचहाट की आवाज़ है, और देखिए सूर्यास्त होने वाला है। तो हम भी थोड़े फास्ट यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अभी भी लगभग 50 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो चलिए फिर रास्ते में कहीं और मिलते हैं। और फाइनली हम कोटा पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, 32 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं सुबह से रात हो गया है लेकिन डिस्टेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, लेकिन मेंटली जो है अभी भी काफ़ी ताकत बची हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए और डिस्टेंस कवर किया जाए। ओके, और हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा अपने ठंडे पानी सर पर डालते रहिए जिससे आप हमेशा ठंडे रहें। ओके, तो ये एक यूज़फुल टिप्स है जो मैंने भी कहीं देखा था। सो गाइस, फाइनली हम लोग बिलासपुर के आउटर में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए ये स्कूल है, जैन इंटरनेशनल स्कूल, CBSE का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो जल्दी ही मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं फाइनली, और जाके एक बहुत ही लॉन्ग शावर लूँगा, काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है। और देखिए काफ़ी बिजी रोड है अभी, तो रात में जब भी अगर आप राइड करें तो काफ़ी संभल के राइड करें। ओके ओके गाइस, फाइनली हम बिलासपुर सिटी पहुंच चुके हैं, और मैं अपने घर से बस 1 किलोमीटर दूर हूँ। और आप देख सकते हैं
अभी भी चेहरे पे फ्रेशनेस बना हुआ है। ये सब देखो देखो दोस्तों, दिमाग का खेल है। अगर आपका दिमाग हार गया तो आप 10 किलोमीटर भी नहीं टिक पाओगे। अभी देखिए हम लगभग 140 प्लस किलोमीटर चला चुके हैं, फिर भी माइंड से ऐसा मुझे कोई अभी तक थकान ही नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे सिस्टर का घर है। आइए उनके, मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। ज़ेब्रा, ईशान, ये देखिए, ये ज़ेब्रा है जैसा दिख रही है, और ये उनकी मदर जो एलिफेंट है, और ये देखिए सबसे फनी क्रीचर है ये तोतलू राम। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा देख रहा है ये क्या है? ज़ेब्रा ये ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जर्नी खत्म होता है। ये किसको तो पोस्ट कर रहे हो छोटा? ओके, तो ऑलवेज बी हैप्पी, लाइफ को एंजॉय करते रहिए।